नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 2020। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के फूड हॉस्पिटल में है और हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जाने माने सर्जन, वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संतोष सर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज का जो ऑपरेशन का जो सिस्टम लेजर के बारे में हम जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले आपको न्यूज 2020 में आपका स्वागत है। ये लेजर ऑपरेशन होता क्या है सर? लेजर ऑपरेशन इटसेल्फ अपने आप में कहीं कुछ लेजर ऑपरेशन नहीं है जी। पुराने जितने भी ऑपरेशन थे जी, अब सारे के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के अनुसार चेंज कर रहे हैं प्रोसीजर जी। वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए जी, जैसे ब्लड कम लॉस होना जी, तकलीफ पेन कम होना, हॉस्पिटल में कम दिन गुजारना, जल्दी छुट्टी हो जाना, इस सारा कुछ जो बेनिफिट नए मेथड से आए हैं ना जी, वो पब्लिक में इसको एज ए ग्रॉस लिया जा रहा है कि लेजर से सर्जरी कराएं जी। लेजर, अब वर्ड लेजर इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। जो फिजिक्स में जैसे हम लोग 10th 11th क्लास में पढ़ते थे जी, लेजर किसको कहते हैं, वो डायोड लेजर और ये वो, तो खैर उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेजर का लिटरल मीनिंग पहले समझिए, ये फिजिक्स का से आया है जी। लेजर का फुल मीनिंग होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ इमिटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जी। एक एनर्जी सोर्स है, लाइट को, बिजली को हम एक एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज लेजर जी। उसका इस्तेमाल आजकल जो एडवांस सर्जरी हो रहा उसमें उसका इस्तेमाल खूब बढ़ गया है, क्योंकि टर्म वाइज लोग इससे पढ़ते हैं क्लास 9th 10th 11th 12th में, तो उससे अवेयर हैं। तो इसी को सारा, अब जितने भी अच्छे बेनिफिट वाले सर्जरी हैं उससे इसको जोड़ दिया गया कि लेजर है जी। लेजर एक सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सोर्स है, इसका इस्तेमाल सभी जगह होता है, टिश्यू काटने में जी, स्टोन वगैरह है उसको तोड़ने में होता है जी, कहीं खून जमाने में होता है, ब्लीडिंग बंद कराने में होता है जी, और भी कई जगह। आंख में इसका लेजर होता है, दो लेयर उखड़ गया, चिपक, रेटिना जैसे छोड़ दिया अपना लेयर, तो उसको चिपकाने के लिए किया जाता है लेजर से। तो सब जगह जो लेजर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लेजर होता है, जैसे उसका नाम रफली बता देते हैं, जैसे NDR लेजर जी, CO2 लेजर, होलियम याग लेजर, तो इतना तरह का लेजर है कि हर सेक्टर में अलग अलग तरीके से लेजर है। उसके पहले नाम बताइए, CO2 है, CO2 इस्तेमाल होता है उसमें, CO2 लेजर जी। अब उसको सर्जरी के दरमियान एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज लेजर। अब लेजर किसको किसको पब्लिक बोलते हैं इसको समझिए जी। आजकल लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी, उसको भी लोग लेजर वर्ड से डिनोट करते हैं आम पब्लिक जी। अब लेप्रोस्कोपी क्या है? लेप्रो मीन्स पेट हुआ, स्कोपी माने देखना हुआ, और उससे सर्जरी करना हुआ, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया। तो इसमें लेजर नहीं, लेजर का कुछ पार्ट इस्तेमाल होता है, जैसे पेट में हम छेद करके दूरबीन से गए और छोटा छोटा जो इंस्ट्रूमेंट ओपन रहता है, तो बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट रहता है, उससे ऑपरेशन कर लिए और लेजर से कहीं कट करना था, लेजर भी उसमें डाले, इस्तेमाल किए, एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल किए और उसको तो इसका बेसिक ऑपरेशन हुआ लैप्रोस्कोपी। लेकिन इसको भी लोग बोल देते हैं लेजर से कराना है जी, लेजर से नहीं कराना है, लैप्रोस्कोपी कोलेस्टेक्टोमी नाम है उसका, रिवॉल्वर का जो ऑपरेशन कराना है लैप्रोस्कोपिक कोलेस्टेक्टोमी होगा, यदि बच्चेदानी कराना है तो बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी होगा, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी होगा, ऐसे करके वर्ड है जी। स्कोप, स्कोपिंग में देखना। उसी तरह से यदि पेशाब के रास्ते में कोई बीमारी है जी, तो इंडो यूरोलॉजी बोलते हैं उस सेक्टर को, उसको जी। तो इंडोस्कोपिकली यूरोलॉजिकल सिस्टम में जाते हैं और उसमें कट करना रहा तो कट किए, मांस काटना रहा तो मांस काटे, ये लेजर के कोई एनर्जी सोर्स चाहिए ना अंदर काटने के लिए, जैसे बाहर में हम कैंची इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो कैंची चलेगा नहीं, तो अंदर में एनर्जी सोर्स के रूप में लेजर इस्तेमाल करते हैं, कट करने के लिए भी, कोगुलेट करने के लिए भी, मतलब कि ब्लीडिंग हो रहा है बंद करने के लिए भी, पत्थर है तो पत्थर पे लगाएंगे तो पत्थर को तोड़ देगा, पूरा बारीक एकदम कर देगा, पत्थर बह जाएगा, तो लेजर सोर्स का वहां इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ऑलवेज मिला रहता है, स्कोप एंड लेजर, और शरीर में कहीं भी उसको
अब है कि एक पहले स्टील का ही स्कोप आता था, सीधा जाता था, टेढ़ा नहीं जाता, अब है कि फ्लेक्सी स्कोप आ गया, अब कहीं भी सांप की तरह ऐसे ऐसे घूमते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं जी। और वहां पे उसी के थ्रू लेजर लेते गए, बीमारी वहां से एबलेट कर दी, बीमारी खत्म कर दी, उसको निकल गया, फिर अगले दिन छुट्टी हो गया, घर चला गया। ये थोरेक्स, थोरेक्स मीन सीना, तो थोरेकोस्कोपी हो गया। यदि ईएनटी वाले लोग इस्तेमाल किए, साइनोस्कोपी हो गया। यदि ब्रेन वाले इस्तेमाल किए, दैट इज ब्रेनोस्कोपी हो गया। तो जहां इस्तेमाल करेंगे उसमें स्कोप वर्ड लगा देते हैं, लेकिन आम पब्लिक सबको लेजर बोलती है, सबको लेजर बोलती है। कभी कभी कंफ्यूजन में हाइड्रोसिजी लेजर से कराना, ऐसे भी लोग चले जाते हैं। ये एक्चुअली मतलब थोड़ा सा अवेयरनेस का अभाव के कारण ऐसा होता है, कुछ है ना, एक बार भी समझाते हैं लोग समझ जाते हैं। एक सवाल और है सर कि जहां तक कि हम आपको देख रहे हैं और आपके बारे में पढ़े भी कि लमसम 5000 से अधिक अभी तक के सर्जरी आप कर चुके हैं। हम समझते हैं कि टोटल हम 23 साल की सर्जरी का मेरा लाइफ है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। जी जी, मैं 2000 से सर्जरी कर रहा हूँ जी जी। इंडिपेंडेंट कर रहा था, एक अपना नर्सिंग होम था, उसके बाद हमने यह हॉस्पिटल 2010 में शुरू किया जी। अभी तक के सर अगर बात करें 23 साल के दरमियान में, अभी तक के सबसे टफ सर्जरी कौन रहा डॉक्टर संतोष के लिए? देखिए, सर्जरी टफ ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता सर्जरी, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है जी। तो जिस चीज को हम करते हैं और उसको धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि रिफाइनमेंट रहता है, तो जो आज टफ लग रहा है वो कल आसान हो जाता है और उसके हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो अभी लर्निंग में है तो सबसे टफ है मेरे लिए, और वही एक्सपर्टाइज जब हो जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। यूएसए में एक रोबोट का सिस्टम यहां रहता है और वहां पे हम सारा कुछ ऑपरेट करके सर्जरी हो सकती है। जहां पे आदमी नहीं पहुंच पा रहा आज, रोबोट वहां पे पहुंच जाता है उस इंस्ट्रूमेंट पर, वहां पे पहुंच के ऑपरेशन हम लोग उसको कर देते हैं, क्योंकि अप्रोच अब जैसे फिंगर हाथ वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, बड़ा है लेकिन उसमें बहुत पतला पतला इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो कहीं भी चला जा सकता है। तो रोबोटिक सर्जरी भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, कॉस्ट के कारण पॉपुलरिटी जो है, कॉस्ट उसको रोक रही है पॉपुलर होने से। अब जैसे 20-20 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, इंडिया में हुआ है वो भी 13 करोड़ का है, 14 करोड़ का है, दाविंची इसका था मेरा सबसे पहला, जो अभी तो बहुत बड़ी कंपनी आ गई है। तो इसका कॉस्ट ज्यादा के कारण हम लोग तो चाह रहे हैं कि एक रोबोट पटना में नहीं है तो एक रोबोट यहाँ पे लाया जाए, सर्जिकल रोबोट, तो लेकिन कॉस्ट के चलते थोड़ा हाथ बंद जाता है जी। एक सर चलते चलते सवाल रहेगा सर कि कुछ भ्रांतियां हैं, हकीकत भी हो सकती है, लोगों का ये धारणा है कि जो हॉस्पिटल, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है उसको माफिया लोग चला रहे हैं, इसमें कितना आप सहमत है सर? देखिए, सोसाइटी जब बदलती है ना, सोसाइटी जब करवट लेता है जी, वो अच्छी चीजों के लिए ले या बुरी चीजों के लिए, सोसाइटी जब करवट लेता है ना तो साथ में उसके कुछ बुराई भी सामने आने लगते हैं या बुराई भी प्रचारित होने लगता है जी। आप ऐसे समझिए, पहले टीम वर्क नहीं था जी, एक ही पेशेंट में जैसे अब ट्रॉमा होता है, किसी को हेड इंजरी भी हो गया, उसका आंत भी फट गया, हड्डी टूट गई, नस भी टूट गया, किसी इंडिविजुअल नर्सिंग होम में चले जाइए, इतना टाइम लगेगा कि वो पेशेंट को गड़बड़ हो जाना, यदि जिंदा भी रहा था कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी रहेगी लाइफ जी। लेकिन इस तरह के हॉस्पिटल में एक सेंटर है जहां पे सारे कनेक्टेड है, नहीं भी है तो विद इन वन आवर पटना में कहीं से कहीं आ सकता है, हाफ एन आवर में कहीं, 15 मिनट में कहीं से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि 6 महीना पहले रेलवे के एक पेशेंट को गोली मार दिया गया अगम कुआं में जी, ये रेलवे गार्ड को, और वो सारे ऑफिशियल चले आए 2 बजे रात में और बोले कि हम कहें कि भाई नहीं सुविधा है ले जाइए, लेकिन बोले कि नहीं यहाँ नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा, तो हमने रखा और सुबह 8 बजे ऑपरेशन हुआ, तो शाम को 6 बजे या 7 बजे तक चला ऑपरेशन। उसमें जनरल सर्जन, यूरोलॉजी वाले सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, इतना तरह का लोग उसमें बारी बारी से ऑपरेशन किए, पेशेंट बचा, अच्छे से घर गया। तो यदि आप अब आइए कि निश्चित है कि 9 घंटे जब सर्जरी होगी तो थोड़ा सा तो निश्चित है कि कॉस्ट बढ़ेगा जी। तो इसमें लोगों को परसेप्शन ही नहीं है कि कितना खर्च होता है जी, और उसके अनुसार यदि कंपेयर कीजिएगा तब ना, इसमें एक तरह का चीज नहीं है कि एप्पल मोबाइल फलाना ब्रांड का यहां से लिए वहां से लिए वहां से लिए,
अब कितनी इंजरी थी ये कैसे कंपेयर की जाए कि उसमें गया था गोली लगा था, ये गोली का इलाज मात्र 5,000 में भी हो सकता है, गोली सब टेनिया से फंसा हुआ कहीं पे निकाल दिया चला जाएगा, 5,000-10,000 खर्चा होगा चला जाएगा, और एक गोली 30 लाख-40 लाख बन सकता है, 3 महीना हॉस्पिटल में भी रह सकता है। तो एक ही गोली लगा हुआ, लेकिन आप तो परसीव करते हैं कि गोली उनको लगा वो तो कल होकर घर चले आते, गोली इनको लगा 3 महीना से हॉस्पिटल में ही भर्ती, तो गोली कितना इंजरी किया इस पर डिपेंड करता है। एक तो मिसकंसेप्शन है इस बात का। दूसरी चीज है कि कॉस्ट कम करने में पब्लिक सेक्टर में जो आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो आते हैं, उनको जब तक गवर्नमेंट प्रिविलेज नहीं देगी, आप मॉनिटरिंग कर लीजिए हमारा, जैसे आपने कोरोना में मॉनिटरिंग किया था, हमको सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट मिला है इससे क्या कहते हैं जो CSR होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उसमें सबसे ज्यादा मिला है हमको। ऐसे ही लोग क्या लगता है डॉक्टर साहब की जिस प्रकार से जितना सरकार की तरफ से कॉपरेशन मिलना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को उतना नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिलता है, एकदम ही नहीं मिलता है। लोन हमें मिलती है एकदम कमर्शियल रेट पे, आप एक बिजनेस करने के लिए जो लोन लेते हैं जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होता है वही मेरा होता है, तो हम कैसे कॉस्ट को कटल करेंगे। दूसरी चीज है इसमें जब तक स्पेशल कुछ प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, और प्रिविलेज देकर के हमें गार्ड किया जाएगा, इस चीज का आप इतना ही लेंगे, और गार्ड धीरे धीरे करते जा रही है, गार्ड तो कर रही है लेकिन उसके लिए प्रिविलेज नहीं दे रही, तो हमको बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिएगा तो लोग तो दाएं बाएं भागेंगे। तो पहले तो गवर्नमेंट इसको कंज्यूमर और ये करना बंद करे, हमको आप पेशेंट को कंज्यूमर कंसिडर कर लिया है गवर्नमेंट, और हमको सर्विस प्रोवाइडर, हमको डॉक्टर नहीं रहने दिया गया, तो जब डॉक्टर रहने ही नहीं दिया गया तो हम तो बिजनेस मैन की तरह लोग एक्ट कर रहे हैं। अब उनकी लिबर्टी है, उनकी स्वतंत्रता है कि डॉक्टर की तरह और इसी को नाम दे रहे हैं कुछ लोग माफिया। हाँ जी, तो इसको तो लोग सोसाइटी में इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि सर जहां एक तो बहुत हमारा बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि जहां भी पैसा है बेईमानी अपने आप से रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी, लिख लीजिए इसमें, चाहे ईमानदारी कहो या बेईमानी कहो, पूरा सिस्टम इतना क्लमजी हो गया है कि जहां पैसा 5 पैसा का भी मूवमेंट है तो उसमें करप्शन या कुछ ना कुछ स्मेल आने की संभावना है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी में कैसे चलना चाहते हैं इसे हटाने से। एक सर लास्ट चलते चलते सवाल रहेगा, इजी भी सवाल है ये सर, हमारे पीछे फोर्ड हॉस्पिटल है, फोर्ड का फुल फॉर्म क्या है? फोर्ड का कोई फुल फॉर्म इसका नहीं है जी, पहले तो इसको समझ लीजिए क्यों फोर्ड नाम रखा गया जी, ना कहीं से चुराया हुआ नाम है ना कोई इसका मीनिंग है जी। हम लोगों ने ROC एक कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अफेयर्स रहती है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कराना होता है जी, तो हमने इसका नाम 4 नाम देना रहता है उसमें, और कंप्यूटर अपने से लेता है, सरकार का सिस्टम है वो, हमारा नहीं है। उसमें हमारा था नाम फोर्ट्स, FORTS जी, फोर्ट्स हॉस्पिटल किला जिसको हिंदी में बोलते हैं, और 2 नाम और ऐसे ही छोटा छोटा रखे थे, लास्ट में 3रा नाम नहीं पता चल रहा था चौथा नाम की क्या भरे, तो हुआ कि फोर्ड तो रिजेक्ट ही होगा, फिर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, तो फोर्ड रख दिया, फोर्ड हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। एक था उसमें लोटस हॉस्पिटल, एक और कोई था, चौथा में फोर्ड था। संयोग ऐसा रहा कि तीनों रिजेक्ट हो गया, चूंकि फोर्ड मल्टीनेशनल कंपनी थी तो इंडियन ROC में रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो जब कंपनी एक्सेप्ट हो गई ROC में तो हमारा कोई राइट ही नहीं बनता, उसको बदल नहीं सकते, तो ये नाम बाय डिफॉल्ट हो गया है, मतलब हम लोग के ना चाहने से हो गया, जिसको हमने चाहा कि रिजेक्ट ही होगा वही ROC में एक्सेप्ट हो गया, बस इसका और कोई मतलब नहीं। सर अगर एक्चुअल बेसिकली मेरा सारा पढ़ाई एक तो मैं यहाँ से जस्ट नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक अंगरसराय SS एकेडमी अंगरसराय करके का स्कूल हुआ करता था जी, बहुत पॉपुलर स्कूल था वो जी, मतलब उसमें आम वगैरह तो नीचे लटके रहते थे जमीन पे, आम सपाटू ये आमला ये सब, और कोई बच्चा एक छूता भी नहीं था, और पूरा रोड वहाँ था कहीं उसको साफ सफाई, मतलब लोग आते थे तो आश्चर्य रह जाते थे कि 10th तक का बच्चा आई सब ऐसे कैसे लटक रहा है, तो इतना डिसिप्लिन स्कूल था। खैर स्कूल के बारे में अब तो गड़बड़ हो गया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद मैं पटना में पढ़ा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, उसके बाद NMCH में हम MBBS किए NMCH से, उसके बाद PMCH से हम MS किए सर्जरी की पढ़ाई की, और यहाँ के जो सबसे मतलब 2 टॉप मोस्ट सर्जन का नाम आता है डॉक्टर ए है जिनका की अभी पारस चला रहा है जिला अस्पताल, उनके अंदर में हमने PG किया, 3 साल की ट्रेनिंग ली,
और दूसरा बहुत ही रिनाउंड सर्जन थे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, यही दो सर्जन जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे सबसे रिनाउंड थे, तो इनके यहाँ मैंने 8 साल सर्जरी सीखी, तब हम यहाँ। क्या सर आपको शुरू से ही इरादा था कि डॉक्टर बनना है कि कुछ अलग फील्ड आप चूज नहीं, कर रहे थे? हमारा जिस समय मैं ISC उस समय हुआ करता था, जिसको बोलते हैं 10+2, उस समय ISC बोलते थे, उस समय ही हमने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और सर्जन सर्जरी से हमें इतना फैसिनेशन था कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे उसी समय से हमको कुछ मतलब उपनाम दे दिया गया था सर्जन से रिलेटेड, तो हम बोलते थे कि सर्जन ही बनूंगा, अदरवाइज कुछ बनूंगा नहीं, नहीं तो सिर्फ MBBS बनूंगा। तो संयोग से उस सबके बाद एग्जाम होता है, MBBS करने के बाद एक कंपटीशन होता है, उसमें फिर सेलेक्ट हुए, सर्जरी लिए, सर्जन बने। एक सर एक और सवाल है, थोड़ा तीखा हो सकता है, जहाँ सर्जन की बात की है, MS और MD में, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, दोनों में टकराव रहता है सर, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? टकराव नहीं रहता, दोनों सेक्टर ही अलग है जी, कुछ ऐसा टकराव की बात ही नहीं। सर्जन कभी कभी बीच में बाउंड्री लाइन इतना शार्प नहीं है, डिफ्यूज हो जाता है कुछ कुछ बीमारी जी, कि इसमें मेडिसिन से काम चलेगा जी, बहुत कम है, 1-2% है, वैसा है ही नहीं, एकदम क्लियर कट ये है, इसमें सर्जरी में जाएगा, ये मेडिसिन में जाएगा। तो ये मतलब 2% जो एक वाटर शेड लाइन है, शार्प डिमार्केशन नहीं है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, स्पेशल कंट्रोवर्सी डॉक्टर में नहीं होता है। पेशेंट जो भी अच्छे से डॉक्टरी करते हैं वो पेशेंट सेंट्रिक होते हैं, मैंने पेशेंट को किससे फायदा होगा इस पे फोकस रहते हैं, नहीं कि हमें क्या, हमें यदि 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं सरपंच वो करता हूँ जिससे हमें फायदा है, तो पब्लिक कहीं ना कहीं स्मेल करेगी और हमें रिजेक्ट करेगी। और प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई हम ये जिलाधिकारी नहीं है कि हमारे यहाँ से ही सर्टिफिकेट जारी होगा, चाहे हम जितना टॉर्चर करें, हम एक डॉक्टर हैं, यदि हमको सोसाइटी जब चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, कॉस्ट के कारण रिजेक्ट कर सकती है, स्किल के कारण रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन आप एक BDO को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक CO को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक थाना इंस्पेक्टर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, DM को रिजेक्ट नहीं कर सकते, एक मिनिस्टर को रिजेक्ट, एक CM को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वही है ही, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, हमारे पास तो ऑप्शंस खुले हैं जी, इसलिए हम तो कुछ दाएं बाएं करेंगे तो पब्लिक, हम एक दो दाएं बाएं करेंगे और पब्लिक तुरंत स्मेल करेगी, हमको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी, लेकिन आपको DM को रिजेक्ट कर देगी, इंस्पेक्टर को रिजेक्ट कर देगा। सर आपके डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं, ऐसे में ठंड का प्रकोप काफी तेजी से बिहार में बढ़ चुका है, क्या अपील रहेगा? देखिए ठंड में तो बहुत सारी बीमारियां अपना रूप बदलती हैं जी, जैसे बतौर एग्जांपल बोलते हैं ब्लड प्रेशर ठंड में बढ़ जाता है, डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है, साइनोसाइटिस वगैरह की बीमारियां, रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारियां ठंड में ज्यादा होने की संभावना रहती है, एलर्जी से रिलेटेड बीमारियां जिसको ठंड ही से एलर्जी हो जाए, तो ठंड में फिर और भी बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर है कंट्रोल नहीं है, ठंड में और बढ़ गया तो CVA हो जाए, CVA बोलते हैं सेरेब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, देखिए लकवा मार देता है, लोग केयर नहीं करते हैं, लकवा मार देता है, जिनको हार्ट की परेशानी है, दवा नहीं खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो हार्ट अटैक और CVA का बढ़ा रहता है, इसलिए ऑलवेज ठंड से आप बचिए। और दूसरी चीज है कि 2-3 परेशानी ऐसे, कार्डियक पेशेंट ऑलवेज डॉक्टर कॉन्टेक्ट में रहिए, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट ऑलवेज डॉक्टर कांटेक्ट में रहिए, खास करके जब जब मौसम चेंज हो, रेस्पिरेटरी जिनको परेशानी है, दमा है या COPD है, ये ऑलवेज डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए। देखिए लोग डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं कि फीस देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा का डैमेज हो जाता है हमको नहीं रहने के कारण, वहां तो 600 रुपया खर्च होता है, 500 रुपया किसी का फीस, 400 रुपया है, बहुत ज्यादा है तो 1000 रुपया है, लेकिन जब आप एक्सीडेंट में जाते हैं या आप सीरियस होते हैं तो 1,00,000 में पहुंच जाता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ पैसा खर्च करके, चाहे नहीं हो तो सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, अपनी मॉनिटरिंग करा लीजिए, ये व्यवस्था तो है, ठीक है वहां भी फीस लगता है, आप तो सरकारी अस्पताल में भी फीस लगने लगा है, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ठीक है प्राइवेट में 400 रुपया, तो आपको तो कहीं ना कहीं व्यवस्था से ही जाना पड़ेगा ना, तो आप ऑलवेज इन चीजों का ध्यान रखिए, ठंड से बचिए, ठंड इटसेल्फ कुछ कुछ बीमारियों को बढ़ा देता है सीधे ऐसे। ठंड से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और 9 वर्ष की शुभकामनाएं आपके और आपके पूरे परिवार को, धन्यवाद आप लोगों को भी। डॉक्टर साहब एक सवाल है चलते चलते कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो फोर्ट हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं उसके लिए?
देखिए इसमें एक कंपनी से हमारा टाई अप है जी, वो यदि इमीडिएट आपके पास पैसा नहीं है जी, तो कुछ फॉर्मेलिटी के बाद जी इलाज की पूरी सुविधा उन्हें प्रदान कर दी जा सकती है जी। उस कंपनी से उनका पेशेंट का या उनके अटेंडेंट का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ईएमआई पर उनको वो पेमेंट करते हैं और हॉस्पिटल को वो कंपनी पेमेंट करती है। तो इससे सुविधा क्या होता है, ठीक है कुछ हो सकता है वो इंटरेस्ट लेते होंगे, कुछ ऐसा होगा, होगा ही होगा, जहां पैसा है तो वहां तो कुछ ना कुछ मुफ्त में मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा इंटरेस्ट, लेकिन नॉमिनल इंटरेस्ट होगा। तो उसमें आप इलाज करा लीजिए, हॉस्पिटल को वो कंपनी जज करेगी कि कितना का इलाज हुआ, इसमें कितना पैसा बनता है, उसके पास पूरा कैलकुलेशन है। तो उस इलाज के लिए हमको